फैमिली अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। आज हम जिस प्रोडक्ट पे रिव्यू कर रहे हैं वो है सईद गनी की फेस पॉलिश दिस। ठीक है, अच्छा मैं इसकी पैकिंग खोल कर अगर आपको दिखाऊं तो ये इस तरह का बॉक्स है। ठीक है, और इसको मैं खोल कर दिखाऊं तो ये इस तरह की फेस पॉलिश क्रीम है। इसमें छोटे 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 से ग्रैन्यूल्स हैं जो आपको लगाते वक्त फील नहीं होते। सी, मैं इसको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल ग्रैन्यूल, बिल्कुल स्मूथ क्रीम के टेक्सचर की है ये पॉलिश, और ये ग्रैन्यूल्स आपको फील नहीं होते। बस देखने में ऐसा लगता है कि इसमें छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स हैं, लेकिन वो अगर आप मसाज कर रहे हो अपने फेस पर तो आपको फील नहीं होते। अच्छा, ये सारे ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है। आप इसकी, और आपके पास आपकी ऑयली स्किन हो आप इस पर कोई यूज़ कर सकते हो, आपकी ड्राई स्किन हो आप यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल स्किन हो तो आप यूज़ कर सकते हो। इस फेस पॉलिश की बहुत अच्छी बात ये है कि आपके जो स्किन के जो बाल होते हैं, आपके फेस के जो बाल होते हैं, उसका कलर येलो नहीं करती, मतलब ब्लीच वाला लुक इसमें नहीं आता, बिकॉज इसमें अमोनिया वगैरह की एडिशन नहीं हुई हुई, टोटली नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ बनी हुई है। अगर आपकी एक्टिव एक्नी है तो उसको भी प्रिवेंट करती है, अगर आपके पैचेस हैं स्किन पर उसको बहुत अच्छे से ये प्रिवेंट करती है, और अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं तो उसको बहुत तेज़ी से प्रिवेंट करती है। अगर अब मैं इसकी यूजेज में बात करूँ तो आप यूज़ किस तरीके से करोगे इसे, आपको दिन में एक दफ़ा इसको यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप डे टाइम में बाहर रहते हो काफ़ी, आपकी स्किन पर सन एक्सप्लोर हो रहा होता है, या आप ऑफिस गोइंग हो, या आप यूनिवर्सिटी गोइंग हो, या कॉलेज गोइंग हो, तो आपकी फेस पर पॉल्यूशन की वजह से जो दर्द गर्द गुबार आ जाता है, उसको भी बहुत अच्छे से साफ़ करती है और आपके फेस को क्लीन और स्मूथ बनाती है। क्या करना है आपने, जब आप घर वापस आते हो तो आपने नॉर्मल पानी से, और मतलब जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हो उसको यूज़ करने के बाद इसका अच्छी तरीके से मसाज करना है। और मसाज करने का मैं आप लोगों को मेथड बता चुकी हूँ। जब आप मसाज करो आपके यहाँ पर फॉरहेड पर आकर कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप मसाज अच्छी तरीके से नहीं करते या प्रॉपरली स्टेप्स को फॉलो नहीं करते मसाज के जो हुए हैं, तो आपकी जो स्किन होती है उसकी टाइटनिंग ख़त्म होने लगती है, आपकी स्किन लूज़ होने लगती है, और लूज़ होने की वजह से आपकी जो स्किन की खाल है वो लटकने लगती है, तो आप अपनी एज से पहले थोड़ा सा ओल्डर लगने लगते हो। तो आपने स्किन पर जो मसाज करना है वो बिल्कुल अच्छे से करना है। अच्छा, आपने इस स्किन पॉलिश को लगाकर मसाज करना है, 5 से 10 मिनट इसको छोड़ना है, और फिर सिंपल प्लेन टैप वाटर से अपना फेस वॉश कर लेना है। ठीक है, आप इसको 15 डेज तक यूज़ करो और फिर मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स के थ्रू कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा। आई होप आपको आज की रिव्यूइंग वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, आई लव यू।